अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। लक्सर से खबर है, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीए और एनआरसी बिल के समर्थन में मुंडाखेड़ा कला गांव में जागरूकता रैली निकाली। साथ ही लोगों को इन दोनों बिलों के महत्व और राष्ट्रहित के बारे में जरूरी जानकारी दी, साथ ही इसको लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि लक्सर विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र की ओर से पारित दोनों बिलों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला किया गया, तो वहीं दोनों बिलों को राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और समृद्धि के लिए जरूरी बताया गया। ये जिस तरह से कांग्रेस ने एक भ्रम की स्थिति पूरे देश के अंदर पैदा की, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक जन जागरण अभियान चला रही है। उसके अंतर्गत जो हमारे दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और इस तरह के जो हमारे शरणार्थी हैं, उनके विरुद्ध एक कांग्रेस ने वातावरण बनाया है। हम उन सब लोगों को साथ में लेकर जो शरणार्थी भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम पूरे भारत में एक वातावरण बनाना चाहते हैं। और अगली खबर भी लक्सर से है। यहाँ विवाहिता के पति के दोस्त की ओर से जबरदस्ती का विरोध करने पर पति और आरोपी की ओर से विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने अपने पति और आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाहिता के मुताबिक उसका पति आए दिन शराब पीकर उसे प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, साथ ही गलत काम करने के लिए उस पर प्रेशर डालता है। वहीं कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।